वेलकम बैक इन सन ट्राई माय व्लॉग। और ये देखिए हम आए हैं जिम कॉर्बेट पार्क। तो यहाँ एक झरना है तो वहीं हम जा रहे हैं, हमारा रहा दोनों। और ये देखिए देखिए, वैसे तो काफ़ी गर्मी थी लेकिन यहाँ पर आके काफ़ी ठंडक ठंडक महसूस हुई। देखें यहाँ से बच्चे नहा रहे हैं। चलो देखते हैं झरना। तो फ्रेंड्स यहाँ देखें कि हम पहुँच चुके हैं झरने पर, जो कि हमें इस झरने ने थका दिया। ऊपर नीचे ऊपर नीचे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरनी और चढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद जाके ये आपको झरना मिलेगा। और ये देखें, ये देखें कितना ब्यूटीफुल सा और खूबसूरत सा है। शांत एकदम, बहुत ही ठंडा एकदम महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा। और ये रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो देखें कितना पानी भी कितना साफ है यहाँ का। और ये हमारा डमी है नूनू। नूनू राइमा से हाय, राइमा हाय। हेलो गाइस, ये देखें तुम कॉलर पार्क के पानी में जाना बनाना सब बना है। आदर्शों का उल्लंघन होगा। तो देखें बहुत ही अच्छा था यहाँ पे, कुछ ना कुछ लिखा हुआ था तो यहाँ पे आप नहीं आ सकते इस जगह। एंड बस वहाँ तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ आराम से फोटोज वगैरह। तो ये बस झरना है जो कि आपको जिम कॉर्बेट पार्क आए तो आप ज़रूर विजिट करें, यहाँ पर ज़रूर से विजिट करें एंड इंजॉय करें, रिलैक्स हों, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुकून है। आजा बाहर को आजा। मालूम नहीं कहाँ से आ गई, बहुत सारी हैं लेकिन। तो देखें यहाँ पे हम आए हैं झरने के पास ही, और देखें यहाँ पे फिशेस के कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो क्यूट, कितने छोटे छोटे हैं, बहुत ही बिल्कुल हमें लगा यहाँ पे फिश नहीं है लेकिन छोटे छोटे। और देखें बड़े बड़े सब फिशेस हैं यहाँ पर और बहुत ही प्यारी हैं। और ये नन्नू, नन्नू नंगे पैर हो गए, हो जाओ अब्बा के पास चली जाओ, जाओ जाओ शो उतार दो। हाँ एक मिनट में इसको।